पल पल करूं
सोचने के लिए। जिनको लोग और भी हमारे ऐसे कई महान आत्माओं के दिन आते हैं, केवल जागने को इसी तन में ही बैठ के श्री राजीव राज नहीं की, पर उनके मानने वालों ने उस आतंक की महत्ता को मिटा करके संसार के एक गुरुओं जैसी बना छोड़ी, इसलिए आज उनके नाम के साथ दर्द नहीं लगता। वो दोष उनके मानने वालों का है, क्योंकि रख क्या दिया, आज उनके धाम चलने का दिन है, रोटी नहीं खाने को उपवास करना है, ढोंग रख दिया, रोटी ना खाने से क्या दिल में दर्द हो जाए, छोड़ने का था। अगर हकीकत में वो चीज आज हमारे सामने प्रस्तुत की जाती तो शायद उस दिल का जो दर्द हमारे अंदर होता वो मिटा दिया उन दोषी लोगों ने, जो ये कह दिया आज प्राणनाथ जी के धाम चलने का दिन है, व्रत रखो व्रत। क्यों? उन्होंने आकर के इस व्रत से जप से तप से हटाया और इन स्वार्थी लोगों ने हमको उस ड्रैगन के फांस में फंसाया। हो सकता नहीं बल्कि है, जिन सतगुरु महाराज जी की आज उस दिवस की उपलक्ष्य में यहां उनके चरणों में हम भाव भेजे विचारों से श्रद्धांजलि तो कहते हैं, पर नहीं, हम श्रद्धांजलि देने के लिए यहां नहीं आए, हम उनके स्वरूप के सामने उनको अपनी सहारनी देने के लिए आए कि ऐ मेरे शाह, तेरी बदौलत, तेरा बख्शा हुआ धन, मेरी जिंदगी की एक दुकान खुल गई जिसमें आत्म और आत्म के धनी कमरे पर चढ़ा। तुमने कितना दिया और मैंने उसको कितना गंवाया, जब मैंने उसको कितना बढ़ाया। उस आरती को बिठाकर हम अपने जीवन की सहारनी करने के लिए जैसे एक दुकानदार अपनी नींव डालता है, साल भर बिजनेस करता है और फिर मार्च के एंड तक अपना अकाउंट तैयार करता है कि कितना मुझे लाभ हुआ है और कितनी मुझे हानि हुई। आज का दिन ही वक्त आता है जब हम सतगुरु महाराज जी के सुख को अपने बीच हटा लेते हैं और इसलिए ताकि उनके चरणों में बैठकर हम अपनी जिंदगी का बीता हुआ पिछला साल देखें कि जिस रास्ते पर उन्होंने हमें चलना सिखाया, चल के बताया और उस अखंड परम धाम के उस ज्ञान को लाकर के हमारे रोम रोम में सींचा, क्या उसकी हमने वृद्धि की, बढ़ाया या कम किया, या उनकी असल मूवी को ही गवा डाला। ये दिन है वो संसारिक उपचारता के रूप से हम कह सकते हैं श्रद्धांजलि नहीं, श्रद्धांजलि उनको समर्पित करते हैं जो हमसे जुड़ा होता है और फिर परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि उनको अपने चरणों में ले। अगर उस तरीके से भी सोचे तो श्री राजीव महाराज के चरणों में यदि उनकी आत्मा है तो हमारी आत्मा कहां है, सुखने के कि हम श्रद्धांजलि वाले दिन क्या कहते हैं कि हम राजीव महाराज के चरणों में या जो दूसरे लोग होते हैं उनमें परमात्मा के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि उस आतंक को अपने चरणों में ले
और परिवार को जितना कष्ट हुआ है उसको उस दुख सहन करने की शक्ति प्रदान, ये कह सकता। अब ये शब्द सहमी कही, सहमी के चैप्टर को देखो, हम कर रहे हैं केवल उनका पार्थक शरीर, जिसके स्तर में वो लीला करते हैं वो हमसे हटा हटेगा अवश्य हटेगा। फिर उसके पश्चात उसके धन से जो परम धाम का धन उन्होंने तुम्हें दिया, त्रैग उनके फांस से निकल एक स्वरूप श्री राज्य में रहकर दर्शाया, तो उन्होंने वो रास्ता दिया कि मेरे कदमों पर कदम रखते और जहां मैं हूं वहां तुम हो और जहां तुम हो वही तुम है। सुंदर साहब जी अद्भुत है कि जिस जगह पर इस दुनिया में रहते हुए सतगुरु श्री महाराज जी ने, अभी आपने सुना जंगलों में भटके हकीकत है, ऐसा भी समय आया महाराज जी के जीवन में कि शायद साल भर तक तन पर कपड़े भी नहीं रखे, अब किसी बस्ती या शहर में जाए कैसे, तो जंगलों में ताकि को मुझे न देखे और मैं किसी से पत्ते खाए के लिए जो आज खीरे और रसगुल्ले खा रहे, उनके लिए उन्होंने पत्ते खाए नगन रहे। अब यात्राएं करते करते पांव सूज जाते थे तो भी बैठते नहीं, इस तरह से एक बार ही नहीं हुआ, जो लोग आज गाड़ियां लेकर फर्स्ट क्लास के टिकट बुक कराकर और हवाई जहाजों में उड़ करके धाम के दर्शन करने जाते हैं, रंगनाथ रामेश्वर धाम केदारनाथ धाम इत्यादि, उन्होंने अपनी पद यात्रा करते करते चार बार इसकी परिक्रमा लगाई कि कहीं तो मेरे प्रीतम का ज्ञान उसको प्राप्त हो। तब चौथी बार जब रामेश्वरम पहुंचे वहां किसी साधु ने कहा कि ऋषि जी उस समय वो संतों के अंदर जब घूमा करते थे तो संत गण को ऋषि जी कहा करते, ये जो नाम हमारे सामने उनका है ये सोनगीर में उनको प्राप्त हुआ था उनके शब्द महाराज जी के द्वारा। तब वहां से चौथी परिक्रमा के बाद वो सोनगीर पहुंचे और उस समय से राज्य महाराज की शक्ति अभी जो जिस चीज से उन्होंने कार्य करना था सतगुरु परमांश श्री राय नारायण जी के तन में से उनको वो ज्ञान प्राप्त हुआ और अवेश व श्री पन्ना जी के दर्शन कर दिया। वहां पर पहुंचे पैदल ध्यान के साथ, उन्होंने कहा था कि जब किरकना नदी पर पहुंच जाना तो लंगोटी उतार देना, तब तक केवल एक लंगोटी में रहते नहाकर धोती कहीं रख देना, लंगोटी रख देना धोती और कुर्ता और ऊपर वो जो जैकेट लंबी सी पहनते थे ये महाराज जी ने दी कि वहां पहनकर तब गुम्मत सामने प्रणाम कर लेता। यात्रा करते करते आए हमारे घाट पर, नहाए कपड़े वैसे ही लपेटे हुए बगल में लेके चल पड़े याद दुर्गा के पहनना, अब हम जानते ही कि ऐसे आदमी को जिसने लंगोटी पहनी तो भले जहां आ जाए
तो शायद हम लोग भी नहीं कहेंगे, अरे बाबा कहाँ गए अरे मंदिर में दर्शन करना ढंग से करो, कंप्लीट नहीं करो। बोलिए इसी तरह से जब गुम्मन स्थल में जाने लगे धामियों ने अंदर जन्म नहीं दिया, खबर तेरे बाद खबर दिखने बाद कहां से आए किस हालत में जाए पता नहीं। तब मुंह नीचे किया तो बगल में वो कपड़े जब देखे कहने लगे भाई तेरे साथ ऐसा ही होना चाहिए कि अभी सतगुरु का ब्रह्मान तरह किनारे खड़े होकर फिर वापस चले गए नदी पर। जैसे अनेक तरह रोटी बना रंजना रख दी फिर थोकती और उस पोशाक में आए जो सतगुरु महाराज ने पेश किया था। 40 दिन तक वहां रहे, जिसने बुलाया था उसके साथ साथ दर्शन हुए। आदेश हुआ शेर पर जाने का और कितने दिन तक तुम उदास बैठोगे ये भी बताया। और आदेश हुआ कि पार्टी 7 में देश का विभाजन होगा, पंजाब के सुंदर साथ आएंगे तब आपकी जागनी का काम शुरू होगा। कई लोग सुन करके कह सकते हैं ये तो बनावटी बातें, नहीं। उसी अनुसार महाराज श्री जी 46 में पाकिस्तान गए, कमालिए गए, मंटगमरी गए, मलका हंस गए, महावनगर गए, जहां जहां सुंदर साथ गए और उनको जाके कहा कि तुम्हें ये देश छोड़ना होगा, बच्चों को लेकर निकल चल। पर एक चीज कभी इतिहास हिस्ट्री में नहीं थी, राज बदलते तो लिखे हैं इतिहास और हिस्ट्रियों में पर जनता बदलती कभी किसी ने पढ़ी नहीं थी। इसलिए महाराज श्री जी के वचन पर किसी सुंदर साथ में भी ध्यान नहीं, कष्ट उठाए वैसा ही। और उसके बाद जितने दिन तक उस संघ से काम से आगे लेना था लिया और हम सब सुंदर साथ को माया से निकालकर राज्य के चरणों में लगाया। अब यदि हम अपना अपना सोचे और उन सुंदर साहब से मिले जिन्होंने उनके चरणों से सुख लिया, उनके हाथों से प्रार्थन दिया, तो मुंह की महिमा गा देने से तो कुछ भी नहीं, वाणी के हिसाब से कि और सुंदर साहब मेरी वाणी को लोग पीछे देखेंगे, पहले तुम्हारी रही को देखेगी तब पता चलेगा दुनिया को कि ये जो ऐसे लोग हैं इनके पास में ज्ञान था। तो उस दृष्टि से यदि देखते तो आज हम यहां उनके चरणों में बैठकर के भी आंख ऊंची कर सकते हैं। उनके फरमान को तो एक किनारे पर हम लोगों ने रखा, हम अपनी अपनी लोकप्रियता और अपने अपने ही नए रूप दुनिया में जाहिर हो जाए, हमारी भी प्रतिष्ठा मान हो जाए, इसमें बढ़े। इस आपाधापी में हम अपने आप को भी कुछ बना ना सके और उनको भी दुनिया के सामने तो सुंदर शास्त्री आज पुनः अपनी सहारनी को संभाले कि जब तक हम सुंदर साथ होकर अपनी लोकप्रियता में रहेंगे, अपने को बड़ा जाहिर करने के लिए रहेंगे, तो अपने को बड़ा बनाकर दुनिया मर गई पर कोई भी बड़ा बना सका।
और यदि अपने को जखीर करने की बजाय अपने नाम के साथ श्री श्री अनंत श्री गादी पीठोचर आती श्री आचार्य श्री विज्ञान प्रति श्री और वचस्पति ज्ञान श्री लगाने की बजाय केवल श्री जी को ही जखीर करने एक श्री को हमसे एक श्री को जखीर हो नहीं सका और कितनी श्रीयों को जहर करने लगे अनंत श्री तो सहाबी आज करो और जीवन के जो घाटे पड़ गए थे उनको आज सुधारो कि हम अपनी अनंत श्रीयों को यदि ना जहर करें और एक श्री जी को जहर करें अगर एक श्री जी जाहिर हो गए तो अनंत श्री जी भी जाहिर हो जाएंगे पर क्योंकि एक श्री जी को जहर कर नहीं सके तो अनंत श्री विभूषक भी मिट्टी में मल जाएंगे ना जाहिर हो सके। सुनना चाहते आइए आज एक दृष्टांत देता सोनिया जी को तो हमेशा हम मेरे रजीत जी के साथ देखते थे तो जानते थे कि ये सोनिया है शायद नरसिम्हा राव जी की पत्नी को कभी हमने साथ कहीं घूमते फिरते ना देखा होगा और आज वो अपने ही प्रांत जैसी पोशाक पहन करके यहां आ जाए और आके परिचय दे हम लोग पूछे बुजुर्ग होंगे तो माता जी कह रहे थोड़ी काम ओवर होगी 40-50 तक तो बहन जी कह रही आप कहां से बढ़ा रहे आपका नाम क्या है यानी आपको पता नहीं मैं कहूं मैं MA MEd दिल्ली यूनिवर्सिटी और आपको पता नहीं मैंने बी ए पार्ट फर्स्ट में लिखा बीच क्या था जिसमें मेरा नाम आपने मुझको पहचाना नहीं मैंने अभी अभी पुणे यूनिवर्सिटी से अंदर जो है रिकॉर्ड बीत करके मैंने डिप्लोमा हासिल किया फिर भी आपके काम से नहीं तो क्या करोगे बोलो तेरे जैसी एमबीटी ने 36 घास काटी है चल निकल यहां से कुछ और भी करोगे जो इतनी अकल और बदबीमारी के साथ बात करेगा क्या स्वागत करोगे इसका और तुझ फिर से अगर आके कह दे अजी आपके देश के प्राइम मिनिस्टर जो इस समय एट प्रेजेंट हैं श्री नरसिम्हा राव जी दुर्भाग्यवश में उनकी पत्नी हूं दुर्भाग्यवश कह क्या करूं चुप क्यों अरे भाई चुप क्यों हो गए स्वागत का ढंग नहीं तो जरा यह दशा से उठ एकदम आश्रम में हल करना चाहिए डिग्रियों को जाके सिनेमा रंग की गणपतनी पर हम अक्षरातीत की आना बन के जाहिर नहीं होना चाहते हम अपनी कलाओं से अपने संगीतों से अपने बोलने की शैलियों से अपने बड़े पनों को जाहिर तो करना चाहते हैं इसीलिए हम मट्टी में मिल रहे जिस दिन हमने अक्षर ठीक जाहिर किया तो ये शास्त्रों में लिखा हुआ है कि उस पार बनाना भी अच्छा थी अल्लाह ताला जब आएगा तो उनके साथ उनकी उम्मत होगी और उम्मत के माध्यम से ही उसकी पहचान और उसका ज्ञान मिलेगा तो उस समय आपका क्या हाल होगा तो स्वामी जी ने कहा वो आखिर के वक्त मेरे मोमिन जब दुनिया की शिकायत करे
तब दुनिया को आठ विश्व मिट जाना है। तो सुंदर साथी जी, आज हर शब्दों के साथ श्रद्धांजलि को और धर्म गोष्ठी कहो, कुछ भी करो, ये जो दिन आज का होता है हर वर्ष, जिसको हम धर्म गोष्ठी के नाम से यहां कहते हैं, वो हकीकत में सब अच्छा शब्द है। जिस तरह से दुकानदार का धर्म धर्म फल साल का फल निकालने के वास्ते वो लास्ट दिन मार्च का वीक रख लेता है, भाई इस वीक में मैंने अपनी दुकान की सहारनी करनी है और 31 तारीख को तो फिर उसके बाद रिटर्न भरनी है। ये दिन हमारा लास्ट रिटर्न भरने का है। आज अपनी अपनी भावों को सतगुरु महाराज जी के चरणों में जरा रिटर्न भरो कि उन्होंने हमको दिया क्या था और आज हमारे खाते में जितना दिया था उसकी बढ़ोतरी की है या लॉस हुआ है या मुनि की मुनि के नाश करके दीवाना निकाल के बैठे। तो ये होगा आज की धर्म गोष्ठी का एक रिजल्ट। यदि आज के बाद जो मुख से कहती कहीं अब हो रही है चर्चा शुरुआत, क्या कहते हैं, अरे तुमको क्या पता महाराज जी के अंदर कितना प्यार था उनका परिचय देने वाले। अरे हम जब महाराज जी के चरणों में चले जाते थे वह पूछो मत कितना आनंद आता था और महाराज जी हमको मीठे मीठे पपीते उनके मीठे मीठे प्यार से हमने क्या लिया, बोलो बोलो बोलो, अरे पपीते और फिर क्या लिया भाई, एक और सज्जन बोले अरे सतगुरु देखे तो वो देखे जो नजर से ही प्यार में हमको स्नान करा देते, उनके स्वरूप को भी देख करके हमारा माया अहंकार नशा टूट जाता। फिर और अरे क्या कहने महाराज जी जो प्यार से खीर खिलाते थे, पूछो तो अब करो इसका प्रचार कि परम धाम से राज्य महाराज आए ही भाई, कौन से राज्य महाराज होंगे जो मीठे मीठे पपीते खिलन है, यही तो आप लोगों ने बताएंगे तो आगे हम यही बताएंगे। कई राज्य आए हैं पार और मक्षातीत आए हैं, वो बड़ा बड़ा प्यार तो देते हैं लेकिन जो खीरे गिरा दे पपीते गिरा दे तो समझ लेना लो अक्षरा जी। चलो बेटी सही, अगर तुम्हारे सतगुरु महाराज जी ने यही दिया तो तुम जो तुम्हारे पास आता है क्या उसको उतने की प्यार से पपीते खिलाते हो कि झटके देते, या तुम्हारे पास कोई आ जाता है तुम्हारे ही कमरे में आपके बेचारा अपनी संदूकड़ी रख दे और बाहर कपड़े सुखाने चलेगा तो उसके पैसे भी ऐंठ करके अपने पास रखते हो, यही सतगुरु ने दिया। इस बार गलती से ये सूचना नहीं दे सके करे अपना जो फालतू धन है वो कोषाध्यक्ष के पास जमा करा दो, तो जो 22 वर्ष के इन कानों तक आवाज नहीं आई थी वो भी दुर्भाग्यवश सुनने को मिली कि रुमाल के अंदर 320 रुपए बांधे थे, किसी ने रुमाल लिटाया नहीं, यही सीखा है इस आसन से था। और कोई हमारे कमरे में आके बैठा है तो उसकी सुनुकड़ी ही साफ कर डाली है हमने, यही सीखा है इस आश्रम से, क्योंकि तुम्हारा व्यवहार जब वो लोग देखेंगे तो बाहर जाके यही प्रचार करेंगे, हाँ भाई कहते होंगे रतनपुरी आश्रम वाले हम तो गए थे तो लेकर अपनी
किराया भी मांग के वापस आए। ये सीख रहे हैं इस आश्रम से। यही कारण है शंकराचार्य जी इस असत मंडल की दुनिया में परम शांत की आत्माएं आई और जी साथ रहे। ब्रिज में उन्होंने वही प्यार दिया जो आज हम कह रहे थे कि हमारा जिन हमको प्यार दिया वो जमुना तट पे हमको बुला करके माखन खिलाते थे, दूध पिलाते थे और प्यार की लीला भी थी। लेकिन क्या उनका बांसुरी का बजाना, माखन दूध का खिलाना और अपने प्यार को देना हमें भाए? हमने ही 11 साल के बाद उनके ऊपर दुनिया के वो आरोप लगा दे तो दुनिया यदि उससे भी ज्यादा कुछ कहे तो हमें गर्व नहीं होना चाहिए। तो उस जगह ही इस खेल को बेटा कहने का मतलब क्या कि आज नहीं श्री राज्य महाराज जिस तरह में डरते हैं आज उनकी आवाज मेरे कानों में गूंज रही है के भाई के बीच अब मुझे दुखी कर दिया है, अब मैं बैठ कर मैं समझ रहा है सुंदर साथ ने मुझे दुखी कर दिया है, मैं बैठ जाऊंगा उसमें उस शरीर को छोड़ दूंगा। मेरी कमबख्त बुद्धि उनके इन इशारों को न समझ पाई कि बैठ जाने का वो क्या अर्थ है। कहने का तर्क करे क्या कि ब्रिज से भी हमसे जुड़ा हुए जब हमने उनको सताया, जब हमने भी उनको दुखी किया तो हमसे वो जुड़ा हो गए। रात में भी हमसे वो कब जुड़ा हुए जब हमने उनको सताया। सतवर्ष धन देवचंद जी के तन में भी कब वो हमसे जुदा हो गए जब हमने उनको सताया। अब किरंतन को उठा के देख लो तो आप श्री राजी नारायण श्री प्राणराजी के रूप में बराज ठाकुर के तन को कब छोड़ा जब उनके चरणों के रहने वाले सुंदर साथ ने ही मायावी आंखों से स्वामी जी के ऊपर आरोप लगाने शुरू की जो किरंतन वाणी में आता है। साथ जी आपने मुझको सिखा पन दिया, राजी कह आपने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की कि आपने मुझको सिखा पन दिया। साथ जी मैं तुम्हारी बड़ी गुणे इस चुटाई का अर्थ निकालो कि वो सुखी होकर बोल रहे थे या कि दुखी होकर। वही चीज मैंने अपने सतगुरु महाराज जी के चरणों में रहते हुए भी अनुभव की कि उस समय हमने से भी कुछ ऐसे कृपा निदान थे जिन्होंने महाराज जी को शरीर छोड़ने पर मजबूर कर अन्यथा जितनी तंदुरुस्ती जितना स्वास्थ्य उनका उस समय था जब उन्होंने भले जी की कोठी पर शरीर छोड़ा तो शायद मैंने जब से उनके चरण ग्रहण किए इतना स्वास्थ्य और सुंदर मैंने एक आंखों से देखा नहीं। इतने अच्छे स्वास्थ्य के अंदर श्री परमात्मा को क्या है। तो आज सहारनी करनी है कि वो हमसे कब बिछड़ते हैं जब हम ही उनको दुखा देते हैं तो फिर वो क्या सोचते हैं कि यदि मेरे ही रहने से इनको दुख होता है तो मुझे इनसे जुदा होना जाना ठीक है ताकि मेरी जुदाईगी से इनको सुख मिले। क्यों मैं पास हूं तो ये दुखी है
मैं अलग हो जाऊंगा तो उसका रिजल्ट उल्टा आएगा ना। तो इससे क्या मतलब है कि वो हमको किसी हालत पर भी दुखी करना नहीं चाहते। इसलिए तो वो चुप है। वो सुंदर छात्री धनी ना गए दुख तिल देता। पर हम दुख होता हमें क्यों है कि हम अपनी मैं खुदी और लोक प्रियता में लगे रहते, इस चीज को कभी नहीं सोचते जो छत्रसाल जी ने करके बताया। छत्रसाल जी तो राजा महाराजा थे, लेकिन जब वो सुंदर साथ में आते थे क्या राजा बन के आते थे? जिस समय जो सेवा हो रही होती थी उस सेवा में सबसे आगे कौन रहता था? छत्रसाल। अगर स्नान के समय आते थे भाग करके खुद स्नान कराते, अगर भोजन का समय होता था दौड़ करके चरणों में बैठ जाते थे, अगर चर्चा का समय होता था तो सबसे पीछे जहां जगह मिलती थी वहां बैठ करके चर्चा, अगर कोई सेवा का समय होता था तो सबसे पहले शाकुंडल खड़ी होकर के सेवा। लेकिन एक हम कमाना किसी दफ्तर के अंदर किसी दुकान के अंदर हमारा थोड़ा सा रुतबा है, किसी कुर्सी को भी हमने प्राप्त कर लिया तो वो कुर्सी का मत, दुकान का नशा, धन का गुमान, खानदान की लाज का एक सिर ऊंचा उमड़ता हुआ हम ले करके उनके चरणों में आते हैं, जिस कारण से वो दुखी होते हैं और वही कारण फिर हमको भी दुखी करता है। हां, जिनको उनकी आत्म के दर्द का पता चल जाता है तो फिर वो कितना से बड़ा सा बड़ा क्यों ना हो वो अपने को यहां मिटा के आता है तो वो दुखी नहीं होता। वो उनके उस खजाने में से कुछ ले जाता है जहां सदा सतु सुख के दादा का सुख देने वाला है। जैसे आज हम भी आए और हमारे बीच आर्य साधी आते हैं, निष्ठांता जी वो दो तो अपने पर खिंच बैठे, बाकी तो हो जाती है कहानियां। निष्ठांत वो लोग जो हमारे आज के पर खिंच हो, आलिया साहब IAS ऑफिस सर सीनियर सेक्रेटरी गवर्नमेंट यूपी हैं, शायद इतना ऊंचा पद मेरे विचार से यहां बैठे हुए और किसी सुंदर छात्र नहीं। 2 साल पहले रतनपुर नाम के शिलान्यास हो रहा था, समय बहुत कम था, उस शिला को बनाने का सेवा राजकुमार जी त्यागी क्योंकि इंजीनियर हैं उनको दी गई और साथ लखनऊ सुंदर साहब की सेवा को कहा गया। किसी ने देखा त्यागी जी करवा रहे थे, मिस्त्री कर रहे थे और आर्या साहब उठा के ईटे दे गए। लेकिन यहां क्या है, कह दिया भी इस बार इस शहर के सुंदर साथ नौकरी करके ही मरो में मिलेगा तुम चले। इसकी प्रियता ही धनी का दुश्मन है, इसको मिटाना ही धनी की प्राप्ति है। कहते भार मेगा बिजनेस अर्जुन ने सीखी थी बिना तारतम्य के। अर्जुन दुनिया क्यों दुखी है? क्योंकि दुनिया समझती है कि परिवार का पालक मैं, कोई परिवार नहीं। इसलिए क्या कर
निस्वार्थ सेवा कर और उसके फल की कभी भी तमन्ना तू मारख फिर मटे। पढ़ने की तरफ ने ये ज्ञान किन के लिए आया है, दुनिया के जीवन क्या समझे के इसका क्या अर्थ होता है। गीता किसी ने पढ़ ली है ताकि उनके द्वारा इस मंत्र से आके पढ़े, ये धर्म सृष्टि के लिए है, दुनिया कर ही नहीं सकती कि सेवा कर लेकिन उसका फल की तमन्ना न रख। ये नवदा प्रकार की भक्ति के अंदर कोई कर सकता नहीं और अन्य भाव की भक्ति के अंदर इसकी कोई तमन्ना रख ही नहीं सकता। बोलो गीता पढ़ ली कि नहीं, गीता शब्द है तो भाषा तो शब्द है, पढ़ के क्या हो जाएगा, सुन के क्या हो जाएगा। ये चीजें आई हमारे लिए है और उनके ध्यान के साथ वो जो रूप पहले से रख दिया है वही हमारी यहां पर रहनी है और जो हमारी रहनी है और वही तो हमने दुनिया को करके शरीयत दिखानी है कि दुनिया वालों तुम शरीयत करते हो तमन्ना के लिए, तुम बंदगी करते हो स्वार्थ के वास्ते, तुम मंदिर बनाते हो कुछ लेने के लिए। हम जो कुछ करते हैं वो सब कुछ अपने परिश्रम को देंगे। तो आइए इसी के साथ उन्हीं की कृपा उन्हीं की मुझे और वही शक्ति वही वाणी जिनसे उन्होंने हमें बांध रखा है उन्हीं की प्यार भरी कृपा से फिर की वो चौथा चरण के कारण जिसमें कल हम चल रहे थे उसकी चौपाई करा रहा यहीं से जहां ये विशेष खत्म हो रहा ये भूमिका थी उसकी और उनकी आगे चर्चा सुनी। हुक्म हाथ पकड़ के यही तो अभी कह रहे क्यों और आगे सुनी दिया थे लहाल बेशक तब जोश इशक दिखाया जासो पाया हक जासो पाया हक। राजी महाराज जिससे मिल गए अब आगे क्या करते साथी जोश हाल और इशक जोश कहनी जोश क्या है कर देंगे जोश आया कह दिया कहनी हाल क्या है करनी और फेल क्या है कोई ऐसी बात नहीं बड़ी शब्द चल रहा है वही विषय चल रहा है जोश क्या है कहनी और हाल क्या है करनी फेल क्या है करनी और हाल क्या है नहीं। अब ध्यान के साथ ये राजीव राय की पहले चरणों में अंगना जान के लेते हैं फिर अपनी पहचान कराते हैं और उसके बाद इसके फेद हमको बता करके कहां खड़ा करते हैं वही विषय चल रहा है पहले ध्यान के साथ कलाम हक जुबान के ये वाणी किसकी है श्री राजी महाराज के मुखारविंद की उर्दू भाषा के अंदर क्या कह लो कलाम हक जुबान के एक ही बात है तिनका कहूं विवेक के अब मैं तुम्हें उनके मुखारविंद की जो वाणी है उनके जुबान से जो कलाम है उसका देवा विवेक ठीक डिटेल खोल के बताता हूं इन कहनी से कायम हुए साकेत शुरुआत हो रही है कहनी किसकी और क्या है जो कुछ अक्षरातीत श्री राजीव राय ने कह दिया सिर्फ उससे क्या हो गया दुनिया पाया हक एक ये वाणी
सिर को कह देने से दुनिया के जो शमसे आठ दिन तक थे सबने यही अपने शास्त्रों में कहा कि परमात्मा सबका ज्ञान के साथ एक है, लेकिन एक को कोई भी समझा सका नहीं, तो उस एक ने आके खुद कहा कि एक मैं हूं और मैं क्या हूं, ये है कहीं। सिर्फ उन्होंने कहा कि ऐ दुनिया वालों लड़ते क्यों भाई, एक की पहचान तुमको नहीं हुई तो लड़ तुम रहे हो, एक तो सत्य है, तुमने एक को ढूंढा किसमें, झूठ में, इसलिए तुमको एक की प्राप्ति हुई नहीं। अब दुनिया वाले एक को समझे भी कैसे, क्योंकि दुनिया में मैथमेटिक्स से दुनिया के ज्ञान से एक को समझना है। उसने कहा कि देखो भाई मुझे समझो, मैं एक ऐसा एक हूं कि जब इस एक में से एक निकाल लिया जाता है तो दुनिया के हिसाब से बाकी क्या बचना चाहिए। मैं दुनिया वालों को बता रहे हैं कि दुनिया वालों तुमने मुझे इसलिए नहीं समझ पाए कि तुमने एक को समझा ही नहीं, आगे का ज्ञान बहुत सीख लिया। एक को समझ लेते तो अनेक की पहचान हो जाती, तुमने एक को छोड़ दिया, अनेक को समझना चाहा, इसलिए कुछ भी प्राप्त हुआ ही नहीं। जैसे एक सधे एक साधे सब सधे और सब साधे, हम क्या समझे, अरे वो आए ना, नहीं चर्चा सुनने में क्या फर्क पड़ता है, उनको जाकर भजन सुनाने में क्या फर्क पड़ता है, उनके पास बैठने में क्या फर्क पड़ता है, वही पड़ता है जो अनेक के साधनों में पड़ता है। इसका मतलब है कि तुम्हें एक से तसल्ली हुई नहीं ना, शक नहीं मिटे, पूर्णता नहीं कुछ मिलता, तभी तो अभिलाषा दूसरों के पास जाने की होती। तो अब वो क्या कह रहे हैं कि दुनिया वालों तुम्हें अनेक के पास जाने की क्यों जरूरत पड़ती रही, क्योंकि तुमने एक को पहचाना नहीं। तो आओ मैं तुम्हें पहचान कराता हूं, मैं वो एक कौन हूं, मैं ऐसा एक हूं कि मुझे पढ़ो पहले वेद में, पूर्ण मदन कि मैं ऐसा पूर्ण एक हूं। कौन समझेगा जिसके घर की बातें, या कौन समझेगा जो कहेगा तीसरे को पांच बिठा दो तो कह देगा भाई ये तो दो की बात नहीं कर रहा, मैं तो तीसरा हूं, मुझे रुपये ढीम उठ जाना चाहिए, नहीं तो भाई ये एक से दो की बात नहीं करें तो चलो मैं इनके पास बैठने का सहार करूं, ये तो इशारा में कह रहा है एक एक और मुझे इशारों में कह रहे दफा बेटा तू यहां इकट्ठा ही करवाए तो कहते एक ही चाहिए, तो हम बैठ गए तीन तो मुझे अपने आप भाई अकला रहा इशारा, मुझे तो अपने उठ के चले जाना देगा, तो भाई मैं तो इसलिए उठ के चला आया कि वो इशारों में मुझे चाटते नहीं थे और कह रहे थे भैया एक 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 में एक निकले एक दूसरे की बात ही नहीं कर रहे थे इसलिए मैं चला आया। कौन समझेगा, कौन समझेगा जिसके घर की बातें ही और जो आकर के बता। और क्या ये एक की बात उन्होंने अब कही क्या, नहीं उतरने से पहले वेदों में कह दी कि वो पार ब्रह्म जो है पूर्ण मदि जब वेदों के मंत्र को पढ़ो है कि नहीं। सुंदर दादी जी खाली व्याख्या कर दी, हमने वहां मंदिर बना दिया कि वहां 17 कमरे बन गए, 18 यहां 25 भी बन गए, क्या ये को धर्मशाला बना दी गया है। अगर ये धर्मशाला बन जाए तो ये कौन सी कुल्तर है जी, 4 कमरे ऊपर भी बन गए तो बड़ी प्रगति होगी, ये प्रगति कब है जब हम यहां पर बैठा हुआ एक एक सुंदर सात सतगुरु राम रतन दास जी का स्वरूप बन करके यहां से बाहर कदम रखे तो फिर ये कमरे शोभा जाए, नहीं तो ये कमरे शमशान का है। तब ये कमरे शोभा जाए, यदि हम इनके
उनके कदमों पर कदम रखे और अपनी मैं खुदी को मिटाकर उन जैसे तो नहीं बन सकते, ना उन्होंने ये आदेश दिया, उन्होंने तो फक्त हादी के कदमों पर कदम रखे। पर हमें उनके कदम अच्छे नहीं लगते, क्योंकि यदि उनके कदमों पर हम कदम रखेंगे तो फिर हमें कौन जानेगा। हम तो हम जनवाना चाहते हैं, इसलिए हम सत्यानाश अपना करते हैं। हमको ना जनवाओ सुंदर साधक, उनकी ही परिचय देते जाओ, दुनिया तुम्हारे कदम क्यों रही। ये वाणी में लिखा कि जब अल्लाह ताला सातवें दिन इमाम बन के बैठेगा तो किसकी सिफारिश से दुनिया को बहिष्कार लगनी, मोमिनों की सिफारिश। अब उस समय अगर मोमिनों को विशेष नीचा करना पड़ा दुनिया वाले के अंदर, ये मोमिन थे ये तो हमारे से भी नीच होते थे, जैसे हम लड़ते थे वैसे इनके अंदर भी नीचे हम लड़ते थे। ये भी छोटी छोटी बातों के लिए लड़ते फिरते थे, इनके अंदर तो हमने खूब जाके देखा भी, एक भजन बनाता था दूसरे कहते थे मैं उसका भजन बोलता फिर, मेरे से भी गंदे विचार इनके थे, ये मोमिन कैसे होते। सुंदर साथ रहनी धनी की श्रृंगार है, रहनी सतगुरु का पूजन है, हकीकत में यदि हम उनके अंग हैं, हकीकत में यदि हम रतन सूरी में आते हैं तो हमको अपनी मैं खुदी को मिटाना, तब हम महाराज के अंग थे, तब हमें अधिकार है ये कहने के लिए कि वो हमारे सतगुरु हैं और हम उनके अंग हैं। इस वास्ते उन्होंने संसार से निकाला, जान लो अपना जान कर, फिर हमें अपनी पहचान कराई और फिर हमारे लिए आपा। अब ध्यान के साथ आप स्वामी जी कह रहे हैं जो मैंने कहा था उससे क्या मिल गया दुनिया को, अखंड सुख मिला। मैंने आके दुनिया को एक की पहचान कराई, दुनिया के भ्रम मिटा करके उनको शांति दी, और इतना ही उनके यदि समझ में आ जाता दुनिया वालों को, ध्यान दो सुंदरता जी, दुनिया ने भी मेरी उस कहनी को रहनी बनाया नहीं, अगर दुनिया वाले उस कहनी को रहनी बना लेते तो आज सारा संसार सुखी हो जाता कि दुखी। आज सारा संसार दुखी क्यों है, अनेक अनेक धर्मों में अनेक अनेक आपा धापी के कारण से दुनिया आज दुखी है, और सच्चिदानंद के ज्ञान को यदि पकड़ लेती कि हकीकत में पार ब्रह्म सबका एक है और मानव कुल एक है तो बोलो सारा संसार सुखी हो जाता है नहीं। अब आइए कलाम हक जुबान के तिनका कहूं विवेक, डिटेल तफसील व्याख्या करके इन कहनी से जो स्वामी कहते हैं मैंने आके दुनिया को क्या कहा हरिद्वार के अंदर कि परमात्मा सबका एक है और वो सच्चा नंद स्वरूप है, पर किसी ने भी माना नहीं। फिर वही एक की पहचान आकर के मुसलमानों को कुरान और हदीसों से बताया, उन्होंने हां तो कर दी, स्वीकार तो कर लिया लेकिन अमल में आए नहीं। तो ध्यान के साथ इन कहनी से कायम हुए, स्वामी जी कहते हैं वो जो कह भी दिया मैंने उसी से ही अक्त श्री राजी महाराज एक सच्चिदानंद जाहिर कर देने से ही, इस शब्द को ही यहां कर देने से जाहिर सारी दुनिया को क्या मिल जाना है, कायम एक तातन ज्ञान ला लेने से, एक अक्षरातीत श्री राजी महाराज की स्वरूप फटक जाहिर कर देने से सुंदर साजी कितना बल होता है। और हम अपने आप को जाहिर करना चाहते, हम अपनी पूजा कराते, स्वामी कहते ध्यान के साथ सुनो तुम कर्मों पर कर्म रख के आओ फिर देखो क्या होता है।
कि मैंने आके एक अक्षर चीज की पहचान की तो दुनिया वालों को क्या मिल गया? बोलो आठ है अगर हम सब सुंदर साधवी उस एक अक्षर चीज को जाहिर करें तो दुनिया में सुख शांति हो के ना। पर हम अपने अपने, पहले तो हम अपने, फिर अपने गुरु, फिर गुरु का स्थान, फिर उनकी समाधि, राज्य से कुछ नहीं। इसलिए हम भी दुखी और दुनिया भी दुखी। एक श्री राज्य को उस अक्षरातीत धाम के बुढ़ा को जाहिर करते और बाकी जो यहां का सब कुछ था यही भूलते जाते तो कभी भी राज्य से हम विदा नहीं होता। हमने तनों को पकड़ा, तन के अंदर आई जो थी वस्तु जिस शक्ति ने अपना आकर के हमें बनाया था, हमने उनसे अपने आप को दूर रखा, बचा के रखा और हम उनके निकट अपने को समर्पित न कर पाए, इसलिए उनके अर्श का खजाना हमको प्राप्त हुआ है। जिन कहनी किल्ली से, आप स्वामी कह रहे हैं मेरी वो कहनी क्या थी, क्या चीज मैंने दुनिया को आके बताई, क्या चीज मैंने दुनिया को आके कही, वो क्या है? किल्ली, किल्ली क्या है? तारतम ज्ञान। ये सब कहनी एक ही चीज को अच्छी तरह से विवेक है ना, ऊपर समझ करके सोच करके तब आगे बढ़िए कि श्री प्राणनदी की कहनी क्या है, वो क्या है? तारतम ज्ञान। अब उससे आगे सुनिए, जिन कहनी किल्ली से खुलिया भीष्ट का द्वार, निज नाम सोई जाहिर हुआ, जाकी सब दुनिया रा देखत मुक्त देसी ब्रह्मांड को आए ब्रह्मात्म सत। इस किल्ली से, इस तारतम से सबको कान रिश्ते मिलते हैं। सो कहनी ज्ञान के साथ छुड़ाई हुक्में, वो तारतम की कुंजी हमसे छुड़ा ली, वो दुनिया के लिए आई है। अब जब जो लोग इस वाणी को मथन नहीं करते उनके संशय क्यों नहीं मिटा? वो तो क्या है लो, हाँ वो तो कहते हैं तारतम का दर्श न करो, ये क्या लिखा? तो मैंने लिखा है चलो। सो कहनी छुड़ाई हुक्में, कहनी किन के रास्ते आई है? किली तारतम मंत्र किन के लिए आया है? जिनको आंख है बहिष्टि मिलनी, उनके लिए तारतम मंत्र आए। तारतम मंत्र है, तारतम ज्ञान भी है और तारतम सुख का भंडार भी, तारतम सब का है। लेकिन हम इस चीज को नहीं जानते कि धनी ल्याए तारतम बेर दोए, कभी विचारा नहीं ना, कभी मथन नहीं किया। इसलिए तो कहोगे जी दो बार तारतम ले के मतलब, हाँ दो गया, पहली बार जो लाए वो किसके लिए लाए? दुनिया को भव सागर से पार करने वाला मंत्र लाए, और दूसरी बार क्या लाए? तारतम का जो तारतम अंग इंद्रावती प्रवेश, कृष्ण जी सो रहे चंद्रता जी, आज कुछ विषय ऐसा है, दिन भी ऐसा, वैसे प्रसंग कल से ही चल रहा है, आज निकाल करके नहीं चलेगा, कल के ही फसल कर साथ आ जाते, कुछ मारने के ज्ञान खुला हुआ, समझ आए तो समझने, ना समझ आए तो वापस कर साथ हो चुके। फिर बता रहा हूं कि स्वामी जी क्या करें, अपना ज्ञान का शुरुआत काखा एबीसी आज स्टार्ट हो रही है कि मैंने दुनिया में आकर के कहनी कही, क्या मेरी कहनी थी,
कि दुनिया को उस एक सच्चिदानंद के स्वरूप के पहचान को मैंने कहा कि दुनिया वालों जिसको तुम मान रहे हो वो असत है और सत्य तो अनादि अक्षर तीज है जो क्षर और अक्षर से बड़े है वो एक है। भाई झूठ की पूजा करोगे यही मरोगे और सत्य के साथ लगोगे तो भवसागर से बाहर हो जाओगे। मैंने इतना कहा, ये स्वामी जी बता रहे हैं मेरी कहनी क्या थी, मैंने ये कहा और उनको क्या कहा, किल्ली दी उस चापी ली भव से पार होने की, ये मेरी कहनी है, ये मोमो की कहनी जो मेरे प्राणनाथ की कहनी वही हमारी कहनी हो गई, जो उनकी करनी है वो हमारी करनी हो जाए और जो उन्होंने रहनी बताई वो हमारी रहनी हो जाए। बोलो हम उनके निकट होंगे कि दूर हूं, अपनी बुद्धि से टोटो लगाओ मेरे कहने पर, हाँ जी हाँ जी न करो, बता रहे हैं कि भाई मैंने क्या कहा और तुम दुनिया को क्या कह रहे हो, अगर तुम गलत कह रहे हो तो तुम भी मिट जाओगे इनके साथ। यही कारण है सुंदरता जी हम अपनापन तो दे रहे थे, हम राजी के स्वरूप की पहचान दुनिया को कराते और स्वामी जी खुद अक्षर के थे, अंदर आतंक इंद्रते की है, तो जब राजी ने मिलना ही था तो चीफ मिनिस्ट्री छोड़ने की क्या जरूरत थी, चीफ मिनिस्टर बन के ज्यादा प्रचार कर सकते थे कि घर बर्बाद करके। विचार करिए हम क्या समझते हैं कि भाई ज्यादा रुतबा होगा ना कुछ पब्लिक पर तो वैसे प्रभाव पड़ेगा, प्रभावशाली आदमी को दुनिया ज्यादा मानती है। और मेरे साथियों वो जो मानती है तो फकत अपने स्वार्थ और गर्व के लिए मानती है, समर्पण होने के लिए उसको तुम्हारे बड़पन को कोई नहीं मानता, तुम्हारे उस बड़ेपन में से तुम्हारे इस लोकप्रिय अवतार में से हिस्सा काटने के वास्ते वो तुम्हारी बड़ाई को गुम कर। स्वामी जी कहते मैंने बड़ापन नहीं बताया, मैंने उनको कहा खाली कि भाई दुनिया वालों एक बात तुम्हें कह रहा हूं, तुम्हारे शास्त्रों के हिसाब से कह रहा हूं, समझ लगे तो समझ लेना कि तुम कहते हो परमात्मा मिलना चाहिए पर परमात्मा सबका एक है और वो सत्य चीज आनंद है, तुम सत्य चीज आनंद को छोड़कर असत्य डर और दुख को जो है मान बैठे हो, इसलिए सत्य चीज आनंद तुमसे जुड़ा है। जैसे स्वामी जी कहते हैं सुंदर साहब जी मैंने भी कहा और तुम भी कहते वो कहो जो मैंने कहा कि मेरी कहनी क्या थी, मैंने उनको किल्ली दी क्या तारतम ज्ञान की पहचान करा दी, तो जिन जिन ने तारतम को ले लिया वो जीव भवसागर से पार कर गया। ये है स्वामी जी कहते हैं जो मैंने कहनी कही। अब ध्यान के साथ आगे क्या आएगा, करनी और रहनी, जिसको क्या कहते हैं फेल और हार, कहनी को क्या कहते हैं जोश फेल और हार। आज ये शब्द साथ और आ गया, कहनी के बजाय जोश भी शब्द लगा और कहते मैंने कहनी कब कही, जब मेरे अंदर राजी का जोश आया। तो किसने कहा, मैंने कहा कि राजी के जोश ने कहा, तो राजी का जोश क्या बन गया कहनी, क्योंकि कई सुंदर साथ घबरा गए होंगे भाई आगे तो रोज कहा जाता है कहनी करनी और सुननी रहनी पर आज ये तो जोश करनी और कहनी कह रहे हैं, ये तो कुछ समझ में आई इसलिए इस पर ज्यादा जोर दे रहा, क्योंकि कई धाम दर्शन में लेख लिखने वाले भी बहुत सारे सुंदर साथ बैठे, ऐसी चीजें लिखकर के जब वो लेख लिखे तो भूले नहीं कि हमने सुना क्या है और समझा क्या है, यदि कोई संशय रह गया जोश फेल और हल में, या कहनी और फेल हल में, या दोष फेल और हल में, तो उंगली उठी करके प्रश्न पूछ सकते, लिखते समय फिर गलत ना लिखो कि समझे पूछे और गलत से लिखा क्या जाता है, क्योंकि हम समझा हुआ नहीं लिखते उस समय अपनापन दर्शाना चाहते हैं, आम दिहाटर उसको भूल दो, इसलिए हम मिट गए। जो कुछ उन्होंने कह दिया बाबा वो सागर स्वरूप है और हमारी चोंच चिड़िया जितनी,
सागर में से अगर चिड़िया जितनी चोंच में भी जो चीज आ जाए वो भी काबू रखेंगे तो हमें सागर ही मिल जाएगा। क्योंकि कल क्या सुना था, उस बिंद जो हमारी चोंच में है उस बिंद के अंदर ही शायद सिंह सुना, उसकी एक एक बिंद के अंदर सिंह है। पर हम स्वयं सिंह जब बनना चाहते हैं तो फिर हमारा रूप बिंद भी रहता नहीं। विचार कीजिए, हर पहलू से आपको बताता चला जाए, हर तरह से संसारिक भी शारीरिक भी और ज्ञान से भी और अध्यात्म ज्ञान से भी, शास्त्रीय ज्ञान से भी, वेदों के ज्ञान से भी, भागवत के ज्ञान से भी और तार्किक के ज्ञान से भी, ताकि किसी प्रकार का संशय सुंदरता के हृदय रखे नहीं। आगे चुपे सुनिए, जिन कहनी, पहले उन्होंने कहा कि मैंने ये कहा, फिर उन्होंने कहा कि मेरी कहनी से दुनिया को मिला क्या, जिन कहनी किल्ली से खुलिया दृष्ट का द्वार, सो कहनी छुड़ाई हुक्में, दुनिया से ली, अगर दुनिया से वो कहनी छुड़ा ली जाएगी तो उनको दृष्ट का द्वार खुलेगा नहीं, किन से छुड़ाई, मूल मुंह से। लेकिन हम अभी भी क्या कहते हैं, हमारी मुक्ति के दाता, वो कहते हैं मैंने ये तुम्हें देना नहीं मुक्ति, मुक्ति आत्मा को नहीं होती, मुक्ति जीव को होती। आत्मा सदा मुक्त है और जीव सदा बंद में है, बंद में पड़े हुए जीवों को मुक्ति देने के लिए आए ब्रह्म आचरण सत्र। जीव जन्मता है, जन के साथ जो सुंदर साथ जीव और आत्म का बेड़ा ना समझ पाए हो, रात क्वाली के माध्यम से भी मोमिन और जीव का बेड़ा सुन, जीव का स्वाद ही छूट है, जीव की लज्जत ही छूट है और आत्म की लज्जत ही धनी का इश्क है, उनका प्रेम है। अब इसके शब्द को दुनिया में घटावे तो समझ नहीं पा रहे, थोड़ी सी चर्चा शुरू की थी, स्वामी जी कहते हैं इसको समझना चाहते हो तो आओ बताओ दुनिया वाले इश्क है क्या, आओ रे अब कहूं इश्क की बात, अभी बात कह रहे इश्क दे लीजिए, आओ रे कहूं अब इश्क की बात, What is that love? इश्क शब्दातीत साक्षात, इश्क क्या है जो अनादि अक्षर तीत है, जो पार ब्रह्म है, जो सच्चिदानंद है, वो आत्मा का इश्क है, वो उनका असल स्वरूप है। लगाइए जितने गोते गहरे लगा सकते हो, क्योंकि आज सहार नहीं कर देंगे तो फिर दिवालिया आरती आरती देख रहे तो भाई साल इसका दिवाला पिट गया है, कोई बात नहीं, अपनी ही दुकान का आदमी, अरे घबरा नहीं, दिवाला पिटा है ना, चिंता मत कर, तेरी कितनी मूड़ी थी, 2 लाख की, 10 लाख का नया माल ले जा, ताकि तेरे दिवालियेपन का जो नाम बदनाम हो चुका है दुनिया को पता चल जाए ये दिवालिया नहीं है, ये शेठ है, साहूकार है और तेरी दुकान चले। आज पुनः अपने को सेठ बना लो, अगले साल फिर कंगाल होके न आना, सेठ का जो धन ले जा रहे हो उसको ब्याज के साथ है। वापस ब्याज पूरा ना दो, धन पूरा ना दो, कुछ तो रिटर्न भरनी नहीं, मार्च के 31 को कुछ बार कुछ उनके चरणों में लाके रखो कि हे मेरे सतगुरु महाराज, हे मेरे धनी धाम के गुरुदा, जो रास्ता आपने दिखाया है बेशक गुरु नहीं कहे पर हम जी रहे हैं फक्त तेरे ज्ञान से, हम जी रहे हैं तेरे प्यार, हम जिंदा है अभी तेरी नाम को जाहिर कर रहे हैं तेरी शक्ति से। अपने पन को एक तरफ हटा दो, बोल उस सेठ का लगा दो, दिवाली के नाम रखोगे भले करोड़ों का माल होगा, अरे बृंदा इसका तो दिवाली नहीं, चला चला चला, उस बोर्ड को मिटा दो जिससे फल का दिवाला निकल रहा है ना,
किसका? मैखुदी वाला। उसको मिटाकर प्राणनाथ का बोर्ड लगा लो, सब दुनिया मान लेने आ गए। मैं को मिटा के धनी को सामने रख लो, चरणों में किसके आके दुनिया झुकेगी? जिसका बोर्ड रखा है या जो दुकान पे बैठा सपना देगा? बोलो तो सही, उसका तो खाली बोर्ड है, दुनिया झुकेगी किसके पास आगे? जिसके पास डिपो है, डिपो के मालिक थे। बोर्ड उसका है ना, झुकेंगे तो तुम्हारे सामने आगे। अगर उसका बोर्ड उतार दोगे, अगर बोर्ड अपना नजरो तो फिर उसको खबर होती है, शेर साहब बोर्ड क्या है? अच्छा क्या होता है इस दुकान का? खूब बिक्री हो रही है। अच्छा बढ़िया से बढ़िया जो प्रिंट है मेरे कारखाने के, किसी को भेजो और किसी को नहीं भेजो? किसके पास उनका बढ़िया माल आएगा? जो उनके बोर्ड क्या निकाल रहा है, और जो अपने अनंत से लोग देखते हैं ना भाई, इस बोर्ड पर तो श्री प्राणनाथ अकेला था, अब ये तो अनंत श्री वाला बोर्ड है, ना 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 ये मिलावटी दुकान है, आगे चले गए। बोर्ड पड़ा तो तुमने देखा, बोर्ड कह रहे तो बोर्ड ही प्रसिद्ध है कि कल युग में अनादि अक्षा दीत ने आना है, और मोमनों की सोबत से दुनिया को उसका अखंड सोच मिलना है, फिर सारा काम होता जाएगा। अब आओ, कहते मोमनों मैंने जो कहनी कही थी तापन मंत्र वाला ज्ञान दिया था, वो फकत दुनिया के लिए था, पर तुम तो मां भर लेकर इकट्ठी बन गए। 21 बार नहीं, 108 बार नहीं, 2 माला नहीं, 5 माला है, क्या कर रहे? कहते हैं भाई ये तो दुनिया से मिलाए थे, तुम क्यों इसको लेकर के बैठ गए? छुड़ाया चिपाई सुन ली, मेरे लिए बाहर जाके कुछ नहीं कहना, चिपाई पन्ना और शेरवत का फिगर लिख लो और छुड़ाया, क्योंकि और तो कोई समझ में आएगा नहीं। ये ज्ञान जरूर समझ में आ जाएगा कि उन्होंने कहा था चर्चा में कि तारतम पढ़ना, ये समझने चल दिया है। यदि उनकी चर्चा सुनने गए ना, वो तो कहते हैं तारतम ही ना पढ़े, तारतम ही ना पढ़े तो जाए कहां, बाहर ना मरे, इसलिए चोली कभी जाना नहीं, बस हो गई उनकी चर्चा खत्म। तो भाई शेखरायण चिट्ठी लिखी है और उसका अर्थ समझिए, उसके बाद आगे बढ़िए। जिन कहनी किल्ली से, वो कहनी किल्ली है, वो तातन कहना है, जपना है, किसको जपाना है? जीव को के ब्रह्म सृष्टि को, बोलो जीव को जपना है के ब्रह्म सृष्टि को जपना है? जीव को क्यों जपाना है? क्योंकि उनको प्रभु आया, और ब्रह्म सृष्टि से जपाना क्या नहीं, क्योंकि उनका धाम का धनी है। तो झनयानी धनी को सामने ले बिठा, पलंग पे अच्छी चद्दर दे बिछा, और फिर क्या कहे, मेरे प्रीतम आ जा, मेरे प्रीतम आ जा, मेरे प्रीतम आ जा, एक थप्पड़ लगेगा दो के तीन, अरे भाग्यवान को छला नाश्ता करा आपे जाना, मेरे प्रीतम आ जा, अंधेरी के सामने कौन बैठा? बोलो माला जपने देगा? बोलो तो सही भाई, अगर तुम्हारे पास मेरी बहन ईश्वरी नाश्ता ना दे, ना तुम्हारे कपड़े सूट तैयार करे, ना कुछ करे, और आपका नाम लेके पति देवा जा, पति देवा जा, पति देवा जा, क्या कहोगे? रात को मन होता काम वही हालत हमारी होगी। हकीकत को समझना नहीं, शब्द को पकड़ के निंदा करने पर हम तैयार है कि वो तो कहते तुम का पाठ ही ना करो। किसने कह दिया ना करो? काहे को मुरा है ना, और माला से वही रटवाना चाहते हैं, वो अपने स्वरूप को तुम्हारे अंदर बिठाना चाहते हैं, तुम्हारे से ये तारतम्य बिठाना, तुम्हारे दिल को अर्षित करके बैठने के लिए आए हैं, और दुनिया को अपना नाम जपाने के लिए आए हैं, क्योंकि दुनिया को भाव सागर से पार मुक्ति देनी है, और वो फक्त उनके नाम से होनी है। इसलिए वो किल्ली जपने वाली जो किल्ली है वो किसको दी है? जीव सृष्टि को। आप कहते हैं ब्रह्म सृष्टि तुम्हारे से तो छुड़ानी है, तुम्हारे को ये नहीं देनी, क्योंकि तुमको तो मैंने अपना स्वरूप देना है, और ये सदा सत सुख का
है, ये स्वरूप तुम्हारे लिए ईरन लाया, ये स्वरूप तुम्हारे लिए इश्क लाया, ये तुम्हारे लिए सब विध वतन सहित आया है। अब लेना अपना अपना, जितना उस पर सुनक हो जाओगे उतना ही उसके नजदीक हो जाओगे, और जितना जिसका यकीन होगा उतना ही उसके नजदीक होकर के हम सब सुख धन के ले सकते हैं। आइए आपके पैसे, बस इसके बाद बंद करता हूं। सो कहनी छुड़ाई हुक्मे, क्या दिया ध्यान के साथ, कहनी छोड़ने के बाद। लेकिन हमारे आगे वाले जो मोमिन है ना, और ऊंचे पद वाले, उस दिन कहता मैं क्या सुना था, तब तो नहीं सुना, तब तो नहीं करना, पाप है। ये समय के आगे, और आगे जो करना है वो हमने सुन, तो फिर ना उधर के रहे ना इधर के रहे, कहां जाओगे? क्योंकि कभी चर्चा में किसी सुंदर साथ ने सोच लिया होगा वे कर्म कांड नहीं करना, ये तो सुन लिया कर्म कांड नहीं करना, तुम भोग लगाते बोलो, हम तो नहीं भोग लगाते, उन्होंने कह दिया कर्म कांड नहीं करना, तो भोग भी तो कर्म कांड है। वह रे सुहागिन नार, अपने पति को भोजन सिखिलाना भी जब कर्म कांड समझ रही है, तो नौकरानी से भी बदतर है, नौकर के लिए वो नौकरी कर सकती है, सुहागिन नार के लिए वो नौकरी नहीं है, उसकी सच्ची सेवा। नौकरी और चीज होती है, सेवा और वस्तु, एक एक चीज के तरफ फेंक को समझो। सो कहनी छुड़ाई हुक्में, राज्य राज ने हुक्म दिया कि भाई नहीं, अगर खाली नाम से ही इनको जपाते रहेंगे तो मेरे हकीकत के स्वरूप की पहचान नहीं होगी, इसलिए जो शाम जी के मंदिर में कहीं कही थी वो छुड़ा करके क्या कहा, अब सुनियो ब्रह्म शिष्ट विचार, जो कोई निज वतनी सिरदार अपना धनी, उस वक्त धनी तो नहीं बताया, जब ये कहा था निजनाम श्री कृष्ण तो क्या बताया, अनादि अक्षर दीप पार ब्रह्म सचिदा नंद, इसके अंदर भी भ्रांति, इसके अंदर भी भ्रांत है तात्व के अंदर। कई सुंदर साधे हैं भी तात्व में भ्रांत है, हाँ घराते किस प्रकार के, उधर तो कहते हो जी पर्दे में, कोई कहता है नकाब में, कोई कहता है हिजाब में, तो फिर जवाब भी आना चाहिए नहीं, अब ना नकाब है ना हिजाब है, अब तो पूरा सदा समय सबको बैठे समझो, नहीं तो फिर नकाब का नकाब है, फिर भी अगर समझ ना पाओ तो फिर नकाब का नकाब, क्योंकि जब समझ में नहीं आया तो पर्दा जमकर क्यों है, और पर्दे से परे हटके कीर्तन की पहचान होगी तो फिर हमारे लिए भी पूरा शराब है, जब उसका शराब है तो फिर हमारा भी शराब है, तो एक रूप होगी कि दो, ये है परम धाम की सब सुंदरता। अब सामने स्वामी कहती मैंने नहीं छुड़ाया, वो कहनी जो किली थी वो किसने छुड़ाई, हुक्म ने, हुक्म किया के बस रही, ब्रिज में आए थे तो इन्होंने नहीं समझा, और रास में आए तो नहीं समझा, और फिर देवचंद जी के तन में आके कह तो दिया मैं अक्षर अतीत हूं, फिर भी नहीं समझे, ये भी हिंसे छुड़ाओ, अब क्या कह दिया, अपन धनी से ही हो गए शराब ने की कसर बाकी ने जाहिर कर दिया कि नहीं, पर हमको अपनो धनी से श्यामा श्याम सुहाया नहीं, हमको कृष्ण राधे ने तड़पाया है, और वो कांगड़े की बंसी हम भूल सकते नहीं, राधे कृष्ण से पिंड हमारा छूटेगा नहीं, और श्याम श्यामा से हमारी मुलाकात होगी नहीं, राधे श्याम नकाब है, पर्दा था, उसको अखंड किया के योग माया में पहले नहीं था, वो योग माया में है सुंदरता की है, लेकिन परम धाम में राधे कृष्ण नहीं है, अपनो धनी से ही। तो जिसका स्मरण करोगे वो वहीं तक तो ले जाएगा जहां वो लेता है, कृष्ण
राधा संपूर्ण श्री कृष्ण भगवान विष्णु मंगलम कहां पहुंचोगे? वैकुंठ में। राधे कृष्ण कहोगे कहां पहुंचोगे? योग माया में पहुंचोगे। और श्याम श्याम में लीन हो जाओगे तो कहां पहुंचोगे? जहां बैठे प्राणनाथ प्यारे की जय, भोज सतगुरु महाराज की जय। प्रिया तुम हो तैसी कीजियो मैं अर्ज करूं मेरे पीरु जी, पिया हम जैसी तुम जिन करो मेरा तर तरप जाए जीव जी। जीवा तो जी वे नहीं क्यों मीठे दिल की प्यास जी, पिया तुम बिना मैं किन सो कहूं, पिया तुम हो मेरी पास जी। आते रानी तो करूं पिया जो कोई दूसरा होए जी, सब विद पिया जी सब रत दिन रह जात रोए रोए जी। जन्म अंधी जो मैं होती सो क्यों देखूनी के कर जी, जब तुम आप देखाओगे तब देखूंगी मैं नजर जी। ए पुकार पिया जी मेरी सुन के अब दिल करो तुम जीन जी। किन किन खबर जो लीजिए मैं अर्ज करूं दुलहीन जी, एक अर्ज मैं तो करूं जो बीच पड़ी अंदर आए जी। सो अंदर आई ताली के दुल्हा लीजे कर्ज लगाए जी। कंठ सो कंठ लगाए के पिया कीजे हास विलास जी। वाले जाए श्री इंद्रावती पिया राखो कदमों के पास जी। तुम दुल्हा मैं दुल्हनी पिया और न जानू बात जी। इश्क सो से करूं पिया सब अंगों साक्षात जी। सदा सुखदाता धामधनी में क्या कहूं किन सुबात जी। महमति युगल स्वरूप पर बाई अंगना पर बल जात जी, पिया तुम हो तैसी कीजियो मैं अर्ज करूं मेरे पीर जी। श्री प्राणनाथ।